नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन द्वारा बीते रोज दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित आभार एवं संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। पूर्व सैनिक संगठन के अधिकारियों एवं सैनिकों के साथ वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने, शहीद सैनिक के परिवारजनों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के साथ ही अवधि को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किए जाने, शहीदों के आश्रितों को जिलाधिकारी कार्यालयों में समूह ग और समूह घ के अलावा अन्य विभागों में भी इन पदों पर भी नियुक्ति प्रदान करने के साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों की भांति अवकाश प्रदान किए जाने की घोषणा के प्रति उनका आभार व्यक्त कर मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक हिमालय के प्रहरी तथा पर्यावरण के संरक्षक भी हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों से हर घर तिरंगा तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान की सफलता में सहयोगी बनने की अपेक्षा करते हुए मसूरी में सैनिक विश्राम बनाए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम में वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री का तथा मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं को सम्मानित किया। और सभी सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं, सैनिकों का जो कठिनाइयां हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उनके जीवन में होने वाले तमाम प्रकार के जो कठिनाई है उसको हम लोग उसका उत्थान कर सकें, उनको उनके कल्याण के लिए काम कर सकें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार की इसको लेकर हमने पिछले दिनों में निर्णय लिए, आने वाले समय में सैनिक कल्याण के हम हर प्रकार के निर्णय लेंगे, क्योंकि सैनिक हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सैनिकों के वन रैंक और वन पेंशन। पिछले दिनों उनकी वीरता और बलिदान को नमन करते हुए सही परिजनों को जो मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने का निर्णय किया। और सच बताऊं तो मुझे एक सैनिक का बेटा होने के कारण ये गौरव की अनुभूति होती है कि ये निर्णय मेरे मुख्यमंत्री काल में लिया। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आगामी कार्यक्रमों के लिए कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस विधायक मंडल की बैठक होगी। शाम 4 बजे कुमारी सैलजा के अध्यक्ष में बैठक का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस के 20 विधायक हैं। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहर अभी मौजूद होंगे। केदारनाथ उपचुनाव, नगर निकाय चुनाव पर भी चर्चा होगी। बैठक में आगामी सत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आगामी कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। शाम 4 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुमारी सैलजा बैठक की अध्यक्षता करेंगी। आगामी सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी बैठक में शिरकत करेंगे। आगामी कार्यक्रमों के लिए कांग्रेस अलर्ट नजर आ रही है। दिल्ली में बैठक का आयोजन किया जाएगा, कुमारी सैलजा बैठक की अध्यक्षता करेंगी। केदारनाथ उपचुनाव, नगर निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। आगामी सत्र को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चुनाव प्रोग्राम्स को लेकर कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट भी लाएगी। वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट का प्रस्ताव तकरीबन तैयार कर लिया है और आगामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाया जाएगा। गैरसैंण में 21 अगस्त से 3 दिवसीय विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने फरवरी में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230.07 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी। हालांकि मौजूदा खर्च के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट है, लेकिन आगामी महीनों में उसे धनराशि की आवश्यकता होगी। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के मुताबिक अधिकांश विभागों की डिमांड प्राप्त हो चुकी है। कुछ एक और विभाग हैं जो मांग भेज देंगे। वित्त विभाग इनकी समीक्षा करने के बाद प्रस्ताव तैयार करेगा।
शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में राज्य कर विभाग और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सहयोग से जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय और केंद्रीय बजट में जीएसटी प्रावधानों में प्रस्तावित बदलावों पर कार्यशाला आयोजित की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई है। साथ ही वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी कहा कि ईमानदारी से टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे अच्छे करदाता व्यापारियों को प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। व्यापारियों के सहयोग से उत्तराखंड जीएसटी संग्रहण में देश में दूसरे स्थान पर है। जुलाई 2024 में 815 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण किया गया, जो बीते साल की तुलना में 30% ज्यादा है। इक्कीस अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र की अवधि को लेकर जहां कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि विधानसभा सत्र कितने दिन चलेगा ये सरकार के संसदीय कार्य मंत्री और बिजनेस कमेटी द्वारा बिजनेस को लेकर तय किया जाता है। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें बिजनेस को लेकर चर्चा होती है, जिसके आधार पर सत्र की अवधि तय की जाती है। आज लगभग 7:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक्सप्रेस वे में एमपी यूनिवर्सिटी के सामने एक एक्सीडेंट हो गया है। उस मौके पर देखा गया कि यह गाड़ी टाटा टियागो है जो एडवर्टाइजिंग के पोल से आकर के टकरा गई है और इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। नहीं, सरकार के पास हर सवाल का जवाब होता है, विभाग से संबंधित सवाल होते हैं और विभागीय मंत्री हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन विधानसभा कितने दिन चलेगी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और सरकार के द्वारा संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा बैठ करके जो बिजनेस आना होता है उसके आधार पर तय होता है। सर्वदलीय बैठक भी होती है, उससे पहले उसमें सारी चर्चा होती है, तो जितने दिन का आवश्यक बिजनेस होगा सरकार के पास। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे की अध्यक्षता में विधायक मंडल दल की बैठक होगी। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस बैठक में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ के उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के रोड मैप को लेकर भी बैठक में चर्चा होने वाली है और खासतौर पर गैरसैंण में होने वाले मानसून सत्र को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। आज दिल्ली में 4 बजे आदरणीय सैलजा जी और दीपिका पांडे जी सह प्रभारी हैं, आदरणीय गुरुदीप सप्पल जी के तत्वाधान में विधायक मंडल दल की एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें पूर्व वाली बैठक के सारे एजेंडे रहेंगे, जिसमें निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ का बाई इलेक्शन, 27 का जो रोड मैप है उसके विषय में भी चर्चा होगी और इस बैठक में जो सबसे खास बात है वो गैरसैंण में होने वाले सत्र के विषय में भी इस बैठक में गंभीर चर्चा है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सियालदे में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सियालदे में नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य गौरी शंकर आर्य ने शारीरिक दक्षता परीक्षा विधिवत शुभारंभ किया, जिसमें 30 मीटर फ्लाइंग रन, वर्टिकल जंप, मेडिसिन वॉल पट, शटर रन, 800 मीटर दौड़ सहित अन्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 80 से 90 छात्र छात्राओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम संयोजक यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में आयु वर्ग, समूह, खेल विद्या के आधार पर बच्चों को उपहार दिया। प्रत्येक आयु वर्ग के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। परीक्षा को लेकर छात्र और छात्राओं में काफी उत्साह दिखाई दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार शिक्षा के साथ ही बच्चों को खेल प्रतियोगिता में आगे लाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर में प्रबंधक और ब्राह्मण समाज के बीच विवाद हो गया है। आरोप है कि पूजा अर्चना करने पहुंच रहे ब्राह्मणों के साथ मंदिर के प्रबंधक गाली गलौच और दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी बख्शा नहीं जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है।
श्रद्धालुओं के साथ ब्राह्मण समाज ने प्रबंधक की कार्यशैली का विरोध किया। वैदिक ब्राह्मण महासभा ने मंदिर प्रबंधक का रवैया नहीं सुधरने पर निरंजनी अखाड़े में जाकर शिकायत करने, इसके साथ ही मंदिर में तालाबंदी करने की चेतावनी भी दे दी है। वैदिक ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष जगमोहन मिश्रा ने बताया कि हर साल पूरे उत्तराखंड के पंडित समय समय पर वीरभद्र मंदिर में अपने जजमानों के साथ पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। आज तक कभी भी मंदिर में पूजा पाठ को लेकर कोई भी विवाद की स्थिति नहीं बनी, लेकिन कुछ समय पहले मंदिर में व्यवस्था को संभालने पहुंचे नए प्रबंधक रघुवीर गिरी ब्राह्मण और जजमानों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। ये सावन में ये रोज का रोज लड़ रही है, जो दर्शन करने आ रहे हैं, दर्शन करने वाले को चारों साइड से घेर दिया, जल चढ़ाने का दिक्कत हो रहा, वो आके हमको बोल रहे हैं, हम जाके उनको वो तो गाली गलौज कर रहे हैं, विद्यार्थी को भी गाली दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रखे हैं, जान से मारने की धमकी दे रखे हैं। हमारे सारे विद्यार्थी ने तो उनको रात को भी निकलने से मना कर दिया, फिर रात को मतलब कल के दिन कोई वारदात हो जाए। उनके साथ भी बाहर से आए हुए हैं और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। सबसे शास्त्र संगत नहीं है कि जो अभिषेक चल रहा है, बीच अभिषेक में जो है जजमानों को उठाना, जजमानों के साथ गाली गलौज करना और इस प्रकार का व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है मंदिर प्रशासन की तरफ से। तो हम लोग का सभी जितने ब्राह्मण सभी में रोष है, क्योंकि देखिए श्रावण का महीना है और जितने भी जजमान हैं बड़ी आस्था के साथ इस मंदिर में आते हैं और आज से नहीं आ रहे, कई वर्षों से आ रहे, और आने पर यहाँ पर जजमानों के साथ जो है ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, मनमानी रूप से जो है उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है, हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा, हमारा बस हो रहा। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाना। मेरा नाम कमलेश है, खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल 10 किलो गेहूं मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था, अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा, तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूं, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में गौमूत्र टैंक में गिरने से दंपति की दर्दनाक मौत हो गई है। पूरा मामला मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिठोरिया नंबर 2 का है, जहां पर बदायूं निवासी 40 वर्षीय मटरू लाल गौमूत्र टैंक को साफ करने के लिए उतरे तो अचानक वो टैंक के अंदर ही बेहोश हो गए। ये देखकर मटरू की पत्नी 35 वर्षीय रानी टैंक में चली गई और अपने पति को बाहर निकालने लगी, लेकिन टैंक के अंदर गैस से दम घुट गया और दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों लोगों का पंचनामा भर दिया गया है। देखिए, ये हमारा बिठोरिया का इलाका है। आज सुबह 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बायोगैस
प्लांट है उसमें टैंक में घुसकर सफाई करने के दौरान एक व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई थी, फिर उनकी पत्नी ने उनको बचाने का प्रयास किया तो दोनों लोगों को अभी हॉस्पिटल लाए थे लेकिन वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी इस केस में पुलिस जो है इंक्वायरी कर रही है, साथ में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये दोनों लोग काफी वर्षों से यहाँ पर। जनपद पौड़ी में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए पुलिस जल्द कुछ और शातिर अपराधियों के हिस्ट्री शीट खोल सकती है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद पौड़ी में वर्तमान में 43 हिस्ट्री शीटर हैं जिनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ शातिर अपराधियों को चिन्हित किया गया है जिनकी क्राइम हिस्ट्री खंगालने का काम चल रहा है और जल्द ही ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भर में हमारे कुल 44 हिस्ट्री शीटर हैं और उनकी निगरानी करना जो होता है बहुत अहम होता है, क्योंकि कई एक्टिव अगर हमारे हिस्ट्री शीटर हैं तो वो क्राइम को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए हमारी क्राइम मीटिंग में भी हमेशा ही इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि उनकी निगरानी की जाए। साथ ही साथ हमारी कई ऐसे नए अपराधी होते हैं जो कि नए अपराधी समय समय पर बनते रहते हैं, तो उनको क्या कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो कि रिसेंटली एक्टिव हुए हैं और एक्टिवली क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे नए व्यक्तियों का हिस्ट्री शीट खोलना ताकि उनकी निगरानी की जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।